लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में व्यापारियों को बीमा, पेंशन और ब्याज दरों में छूट जैसी सौगात दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए केंद्र सरकार ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और कई अन्य संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेलफेयर बोर्ड के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चयन भी शुरू कर दिया गया है। तमाम व्यापारी संगठनों की शुरू से मांग रही है कि वो ग्राहक से टैक्स वसूल कर राजस्व में जमा कराते हैं और एक तरह से सरकारी मशीनरी का काम करते हैं। ऐसे में उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह बीमा और रिटायरमेंट स्कीमों की सुविधा मिलनी चाहिए। खबरों के मुताबिक इस महीने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा सामने आ सकती है। इसमें टर्नओवर और टैक्स के आधार पर बीमा कवरेज, प्रीमियम और पेंशन की रकम तय करने की योजना है। हालांकि शुरुआती प्रस्तावों पर व्यापारी एकमत नहीं है और चाहते हैं कि ऐसी योजनाओं से गैर पंजीकृत व्यापारियों को पूरी तरह वंचित ना रखा जाए। व्यापारी संगठनों की ओर से मांग की गई है कि रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रस्तावित 10 लाख के बजाय 20 लाख और इसके बाद प्रति करोड़ टर्नओवर 5 लाख ज्यादा हो। इसी आधार पर पेंशन की रकम भी तय होनी चाहिए। टैक्स ग्रोथ के आधार पर बीमा और पेंशन कवरेज बढ़ाना चाहिए जबकि इनका प्रीमियम घटना चाहिए। व्यापारियों का मानना है कि सरकार के ऐसे कदमों से भरोसा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।